हरियाणा क्यों छेड़खानी कर रहा है? हमारी लड़ाई हरियाणा से लड़ाई नहीं है। कुंवर सूरजपाल अम्मू है, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, करणी सेना के अध्यक्ष भी है। कुंवर साहब, टिकैत साहब, जो कुंडली बॉर्डर पे जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जो आसपास उनकी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर उनका अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहां के आसपास के किसानों की फसलें सड़ गई हैं, वहां के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर टेंटों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, शराबों की सप्लाई हो रही है और दलितों के हाथ पैर काट के लटकाए जा रहे हैं। क्या ये आंदोलन है? ये गुंडागर्दी नहीं? दिल्ली आ जान दो। नहीं, दिल्ली के लिए आपसे तो कोई मतलब आप, है नहीं। हरियाणा सरकार से तो कोई टिकैत मतलब साहब पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। गलत चीज है, गलत है। आप पैसे देके लाल किले के ऊपर आकर तिरंगे का अपमान करेंगे, आप ट्रैक्टर चलाएंगे दिल्ली के, पैसे देके आपकी सरकार और इस तरह की हरकत करवाओगे? कानून अपना काम कर रहा है ना। सरकार पैसे नहीं देती, आप पैसे दे देकर पंजाब से ला रहे हैं सर। किसी ने गलत काम करा है तो कानून है, काम करेगा, गिरफ्तारी होगी उनकी। जिनको आप निहंगों का मामला बता रहे हैं, दलितों के हाथ काट दिए, उनके बारे में आप क्या कहते हैं सर? हमने ये कहा कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। आप उनके साथ धरने पर बैठे, आप उनको पैसे दे के, पैसे दे के आप बुला रहे हैं उनको सर पंजाब से, पैसे दे के किसी मजदूरों को, उसको पैसे दे के उनके वहां बीड़ी पीना और उनको न्यूसेंस करना के तुमको हम देखेंगे। टेंटों में बलात्कार होना, शराबों की सप्लाई होना, वहां पर वो कौन लोग कर रहे हैं सर? शराब की सप्लाई करते हैं सरकार के लोग। आप खालिस्तान समर्थकों के साथ बैठते हो, ये बलात्कारियों के साथ बताओगे प्रणव खालिस्तान साहब, मतलब आप सरदार को खालिस्तान नहीं बताओगे देश में? कुंवर साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और यही तो भाषा है, इनकी सरकार नहीं है, ये त्रस्त है। अगर इनकी सरकार होती तो बातचीत कर लेते, इनकी सरकार नहीं है, ये तरसते हैं, सरकार है मोदी की। तो राहुल गांधी से क्या लिंक है आपका? हमारा कोई लिंक नहीं है। सेटिंग क्या हुई है तो बता दो। हमारा कोई लिंक नहीं है। बादल से जैसे आपकी, जैसे आपके मुरली मनोहर जोशी से, प्रियंका, जैसे आपके मुरली मनोहर जोशी से हमारी पहले थी, वो मंच पे बैठते थे, वही है। आपके साथ लगातार सरकार ने बात की है, आपको सम्मान दिया है और आप तिरंगे का अपमान करेंगे लाल किले पर? क्या हुआ आप बताओ, खड़े होकर लाल किले पर? मैं बोल रहा हूँ बताओ, खड़े होकर लाल किले पर? पूरे विश्व ने देखा है, टिकैत साहब पूरी दुनिया ने देखा है। किसने नहीं देखा? कुंवर साहब, कमाल, आपकी नजरें हैं देखने के, आपकी आंखों में पट्टी बंधी है। आप एक बात बताओ, तिरंगा बड़ा है देश में या भगवा बड़ा है? सर, भगवा से बड़ा मेरा भगवा है, परंतु तिरंगा मेरे देश की शान है सर। अरे रुक तो, तिरंगे को हाथ तो लगा, तिरंगा बड़ा है भगवा साहब इस पे आए। एक मिनट रुक जा, तिरंगे को हाथ लगा कर दिखा कोई, ये आज तो पकड़ माए। तिरंगा बड़ा है भगवा बड़ा है? तिरंगे में पहला रंग भगवा है सर, और जो जो आपने टोपी पहन रखी है हरा भी है उसमें। सही नहीं बताने के? अरे सही तो आप बताओ, आप पद भ्रष्ट हो गए हैं, तिरंगे को भी बांटना चाहते हैं, पद भ्रष्ट हो गए हैं। राहुल गांधी के साथ आपकी सेटिंग हो गई है, सुखबीर बादल आपको कैसे पूछ लेते हैं? कैसी हमारी सेटिंग? आपके मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी से थी, ऐसी हमारी उनसे है सर। आपके पिताजी का सम्मान इस देश ने किया है सर, आपका भी सम्मान हम करते हैं, परंतु ये मतलब नहीं है कि आप बलात्कार करेंगे टेंटों में, आप शराबों की सप्लाई करेंगे। ये कह रहा हूं कि है तो पकड़ो ना उनको, पकड़ो कोई इस तरह। आप उनके साथ बैठ क्यों रहे हो? आप उनके साथ बैठ कर रहे हो? यही तो इलाज हो रहा है सर, एक शब्द नहीं बोला आपके मुंह से। आपके मुख्यमंत्री दलित का हाथ काट कर उसका हत्या करके लटका दिया, आप एक शब्द नहीं बोले। हमने ये कहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी मतलब सारे गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी हुई, सारे गिरफ्तार, कानून अपना काम करेंगे। हरियाणा पुलिस ने किया काम सर, हरियाणा पुलिस। सुनो, आपके मुख्यमंत्री ये कहते हो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कि लट मारो, आपके आरएसएस में सिखा जाता है। मुख्यमंत्री ने जितना किसानों को सम्मान दिया है, जितना किसानों की चिंता करी है, आपके लाठी मारोगे आप उनसे? किसी ने नहीं मारा। आपके मुख्यमंत्री लाठी मार के लोगों को हत्या करोगे? अरे मुख्यमंत्री के आप लोगों ने विरोध जितना किया है, हमारे विधायकों के घर में घुस घुस कर आंदोलन नहीं था, आप हमारे विधायकों को मारोगे? आपके हरियाणा में आंदोलन नहीं था, आंदोलन था हमारा भारत सरकार से। विधायक है आप, रोकोगे कमल गुप्ता विधायक के हिसाब के, उनके साथ विरोध होगा, आप रोकोगे विरोध होगा। कुंवर साहब, आप रोकोगे विरोध होगा। लोकतंत्र में ये आंदोलन करने का तरीका नहीं है। 10 महीने से आप अराजकता, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसा भरोसा पैदा नहीं कर पाए। 10 महीने से किसान बच्चा है, दूसरा मानी चाहिए। ऐसा है, 10 महीने से आप किसान बच्चा के बेटे, मैं भी किसान का बेटा हूँ। आप किसान नहीं हो सकते, मुझसे बड़े किसान नहीं है। आप किसान नहीं हो सकते, आप किसान के ठेकेदार ना बनो। आप किसान नहीं हो सकते, आप किसान के ठेकेदार ना बनो। किसान के ठेकेदार जो यहाँ पे बैठे हैं, अरे दक्षिणी हरियाणा के कितने किसान बैठे हैं आप बताइएगा? एक मिनट, पूरे देश में है आंदोलन। दक्षिणी हरियाणा के बिहार के मंत्री बैठे हैं आपके सामने, बिहार में कहाँ आंदोलन है? राजस्थान में कहाँ आंदोलन है? 800 रुपए क्विंटल मिल रहा, आप पूरे देश की फसलों को लूटना चाहते हो।
ये सरकार व्यापारियों की है, नहीं चलेगी। आप गुंडा कर रहे हैं, नहीं चलेगी व्यापारियों की सरकार। आप आंदोलन नहीं चलेगी व्यापारी। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, सरकार चलेगी। कौन से बिल के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, क्यों व्यापारियों को तंग कर रहे हो, क्यों किसानों को परेशान कर रहे हो आप? कुंवर साहब, आप दुआ दो ना, हमको ठुआ दो भाई, कोर्ट से वो करवा के हमको ठुआ दो। परिवहन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है मूलचंद जी। क्या क्या किनको जो बैठे हुए और कौन है? वे कौन कह रहा नहीं बैठा है? जो किसान बैठे हैं वे किसान हैं। कौन? नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा किसी को भी। आप पहले सुनो और अपना दिमाग ठीक रखो, सुनो पहले। सरकार पे ही पूरे देश के किसान बैठे हुए हैं, लेकिन लेकिन क्या कहूं चरण के माध्यम से। अरे कानून अपना काम करेगा, कानून ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा, ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत है। कुंवर साहब अपने ज्यादा, अरे हमने नहीं बात करी, हमने बात नहीं करी मोदी सरकार से। मजा नहीं आ रहा ना इनको, मोदी सरकार से हमने नहीं बात करी। एक मिनट मेरी, हमने ये कहा कि अगर सरकार आपकी, अरे सरकार आप, अरे सुन तो लो, सरकार अगर आपकी होती देश के, कुंवर साहब देश का प्रधानमंत्री का नहीं कर रहे ना ना। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपको बोलने का किसी का अधिकार है नहीं। कागज अगर किसी मंत्री को आप मंत्री जी बोलने की पावर दे दोगे वहाँ पे, नरेंद्र सिंह तोमर दो आदमी को भी छोड़ दोगे ना, समझौता हो जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद जी बैठे हुए हैं, नहीं 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 कोई एक मिनट, अरे उनके पावर किसी के पास में है नहीं। हमारे कैबिनेट कोई पावर नहीं है उनके पास, मिनिस्टर है कैबिनेट, नहीं है पावर, नहीं है पावर। कृषि मंत्री लिखने का है, नहीं है पावर। क्यों धोखा दे रहे हो देश की जनता? आप अपने स्थान, जनता क्यों धोखा दे रहे हो? अंबुजी बैठी, धोखा दे रहे जनता को। आपका, आपने बहुत बार, अरे सरकार जो आपको देती है, प्रधानमंत्री देता है, वो आप बोलते हो बोलने की हिम्मत है नहीं। कहा है आपके अडवाणी जी, उसमें पुलवाओं ने आपने बड़े नेता अपने कैद कर रखे अपने हाउस में। अम्मू जी बात सुन लीजिए।